देश भर में राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल से 21 अक्टूबर से निकाली राष्ट्रीय एकता रैली शनिवार रात 9 बजे अमित ठेंगी चौक पहुंचेगी, जहां शहीद अमित ठेंगी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एसपी कलेक्टर एवं भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी शाहू, शेषराव यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा इस रैली को प्रोत्साहित किया जाएगा। जानकारी देते हुए यातायात डीसीपी सुदेश सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय भोपाल से 30 लोगों के माध्यम से प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। यह मोटरसाइकिल रैली हरदा से होते हुए बैतूल और शनिवार 9 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम के बाद यह रैली आज सुबह सिवनी के लिए रवाना हुई। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि छिंदवाड़ा जिले में 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल से डीजीपी महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई राष्ट्रीय एकता और अखंडता की के संदेश देने वाली मोटरसाइकिल रैली आज छिंदवाड़ा पहुंची है, और इसमें जवानों ने पूरे अलग अलग जिलों का भ्रमण करते हुए आज छिंदवाड़ा में यहां पर प्रवेश किया है, जहां पर शहीद मेजर अमित ठेंगे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत किया गया है। अभी वो आज बादल भोई संग्रहालय भी देखेंगे और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का यह संदेश देते हुए प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रमण करते हुए 31 अक्टूबर जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जो भारतीय पुलिस सेवा के संस्थापक सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती दिवस भी है, तो इस प्रकार से आज़ादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाली ये मोटरसाइकिल रैली छिंदवाड़ा में आज प्रवेश की है, और इसके स्वागत में हम सभी ने आतुर होकर इसका सम्मान किया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए एक प्रभावी और सशक्त माध्यम है।